हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 4, द मुगल एम्पायर। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से मुगल्स देश में आए थे, रेड फोर्ट उन्होंने बनाया, कितनी उनकी लेगेसी है, और ये हमने ये वाला जो टेबल था ना, ये पूरा के पूरे उनके कैंपेन्स के बारे में देखा था इस टेबल के हेल्प से। तो काफ़ी कुछ हम उस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर उसको पहले देखिए और फिर ये वाली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेगा, क्योंकि काफ़ी सारा चैप्टर तो उसी में कवर हो चुका है। अब आगे देखते हैं मनसबदार्स एंड जागीरदार्स क्या होते हैं। तो एज द एम्पायर एक्सपैंडेड, जैसे जैसे एम्पायर बढ़ी, टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन्स द मुगल्स रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल। तो जैसे जैसे एम्पायर, हमने देखा कितने सारे इलाकों पर इन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया था। तो जैसे जैसे एम्पायर फैली ना, तो मुगल्स जो थे इन्होंने बहुत ही अलग अलग लोगों को अपनी मतलब नौकरी पर रखना शुरू कर दिया। स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, जिनको तुरानीस बोलते थे, दे एक्सपैंडेड टू इंक्लूड ईरानियंस, इंडियंस, मुगल्स, अफगान्स, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स। तो पहले क्या करते थे, जो नोबल्स होते थे, जो ऊंची पोजीशन पे होते थे ना, ये पहले सिर्फ टर्किश नोबल्स, जो तुर्की या फिर टर्की से आते थे, उनको ही देते थे, जिनको तुरानी बोलते थे। बट अब इन्होंने ईरान के लोगों को, इंडिया के मुसलमानों को, राजपूत को, अफगान, मराठा, बहुत सारे लोगों को अपने अपनी नौकरियों पर रखना शुरू कर दिया। ठीक है, दोस हु ज्वाइंट मुगल सर्विस वर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। जो मुगल्स की सर्विस को ज्वाइन करते थे ना, मगर मतलब मुगल्स के साथ काम करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको मनसबदार कहा जाता था। टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। मनसबदार कौन होता था, ऐसा इंसान जो एक मनसब होल्ड करता था, मतलब जिसके पास एक मनसब होती थी, जिसका मतलब होता था रैंक या फिर पोजिशन। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मनसब क्या होता है। मनसब जो है ना, मनसब का मतलब होता है रैंक, ठीक है, रैंक या फिर पोजीशन। कोई रैंक होगी, पोजीशन होगी, उसी को ही हम मनसब कहते हैं। इट वाज ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय मुगल्स टू फिक्स रैंक। ग्रेडिंग सिस्टम था कि मतलब जैसे आपके स्कूल में होता है ना कि इसके अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसको ये वाला ग्रेड मिल गया, उसको माए, तो इसी तरीके से ये लोग भी ना क्या करते थे, रैंक प्रोवाइड करते थे। ठीक है, रैंक, फिर उसके बाद सैलरी, फिर उसके बाद मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात। रैंक और सैलरी जो होती थी ना, एक ज़ात से डिफाइन करते थे। जितनी ज़्यादा ज़ात होगी, मोर प्रेस्टीजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जेस्ट सैलरी। तो मतलब ये इंसान ए बी सी डी, सपोज करिए ए बी सी डी चार लोग हैं, इसका जो है ना मनसब, या फिर इसका मनसब सबसे ज़्यादा है, सपोज करिए इसका मनसब है 400, इसका मनसब है 400, मतलब इसका मनसब इसका सबसे ज़्यादा लिया है ना, तो 3000, इसका 4000 हो गया, इसका 3000 हो गया, इसका सपोज करिए 250 ही है, इसका सपोज करिए कि 2700 है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी होगी, सबसे ज़्यादा सैलरी ए की होगी, क्योंकि देखिए ये क्या होता था ना, मनसब एक रैंक होती थी, इसकी रैंक 1 हो जाएगी, इसकी रैंक 2 हो जाएगी, इसकी रैंक 4 हो जाएगी और इसकी रैंक 3 हो जाएगी। कचड़ पचड़ हो गया ना, बस आप ये समझ लीजिए कि जो एक ज़ात होती थी, रैंक एंड सैलरी वॉज डिटरमाइंड बाई द न्यूमेरिकल वैल्यू ज़ात, सबको ना ज़ात प्रोवाइड कर दी जाती थी। तो ए की ज़ात क्या है, ए की ज़ात 4000 है, बी की ज़ात क्या है, सपोज करिए 3000 है, सी की ज़ात क्या है, 250 है, और डी की ज़ात क्या है, 2700 है। तो सबसे ज़्यादा ज़ात किसकी है, ए की ज़ात है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टीजियस होगा, सबसे ज़्यादा इसकी इज्जत की जाएगी और सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसको मिलेगी। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर की वैल्यू दे देते थे, उसको ज़ात बोलते थे और उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम ये लोग चलाते थे। ठीक है, तो दो चीज़ समझी हमने, मनसबदार, मनसब का मतलब होता है रैंक, और रैंक कैसे डिसाइड करते थे, हाँ, एक ज़ात से रैंक को डिसाइड किया जाता था। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार्स और कैवलरीमैन। मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कि भाई कोई जंग वंग हो गई तो लोग प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो इसके लिए वो लोग सवार या फिर अपने सैनिक वगैरह रखते थे। मनसबदार बॉट हिज कैवलरीमैन फॉर रिव्यू, गॉट देम रजिस्टर्ड, देयर हॉर्सेज ब्रांडेड, एंड देन रिसीव्ड मनी टू पे देम सैलरी। तो मनसबदार अपने लोगों को लेकर के आते थे, जो पैदल आर्मी होती थी, और उनको रजिस्टर करवाते थे, घोड़े को ब्रांड करवाते थे कि भाई ये वाला घोड़ा इसका है, ये वाला घोड़ा ऐसे करके है, फिर उनकी सैलरी भी लेते थे। मनसबदार रिसीव देयर सैलरी एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स, विच वर समवॉट लाइक इकतास। जैसे हम लोगों ने पहले चैप्टर्स में इकतास के बारे में नहीं पढ़ा था कि
इकताज दे दिए जाते थे, जैसे ए है इसकी जो रैंक है ये मनसबदार है, इसको एक इकता दे दिया। अब इस इकता में से ये इसका खुद का नहीं होगा, बस ये इसमें से टैक्स कलेक्ट करेगा, सैलरी देगा दूसरों को और अपने पास भी कुछ पैसे इसमें से रखेगा और चाचा को भी भेजेगा। इसी तरीके से जो है मनसबदार भी होते थे, इनको जागीर दी जाती थी विच वर समवॉट कुछ कुछ होती थी एक दास की साइड, बट अनलाइक मुक्तीस जो मुक्तीस होते थे, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। जो मुक्तीस होते थे ना, मतलब मुक्तीस क्या करते थे, उसी लैंड पे रहते थे, अपने एकता पे रहते थे और अपने एकता पे मतलब पूरा का पूरा देखभाल करते थे। मगर मनसबदार ना, मनसबदार्स को जो जागीर दी जाती थी ना उस पर वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रहे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ उससे रेवेन्यू, उससे कर इकट्ठा करने का अधिकार होता था विच वॉज कलेक्टेड फॉर देम बाय देयर सर्वेंट्स, उनके सर्वेंट्स। तो मतलब देखिए क्या है, ईजी भाषा में समझते हैं, मनसबदार ठीक है उनके पास जागीर होती थी, जागीर एक इलाका होता है, मनसबदार एक इंसान होता है, एक एरिया होता है, लैंड होता है ठीक है। ये क्या करते थे, ये लैंड इनका नहीं होता था, ना ही ये इसमें रहते थे, बजाय ये इसमें से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कर इकट्ठा करते थे, खुद नहीं अपने लोग बेच करके कर इकट्ठा करवाते थे। ये लैंड को हम क्या बोल रहे हैं, इस लैंड को हम लोग इकता बोल रहे हैं, इकता या फिर इसको हम लोग जागीर बोल रहे हैं ठीक है। तो इकता बोल दें या फिर जागीर बोल दें, जागीर है ये वाली और इसमें से मनसबदार कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। तो ये है, वाइल सम ऑफ द मनसबदार देमसेल्फ सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, तो मनसबदार खुद अपने जागीर में नहीं रहते थे बल्कि वो तो कहीं और सर्व कर रहे होते थे, उनके बिहाफ में दूसरे लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे होते थे। इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस सो दैट देयर रेवेन्यूज वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार। तो देखिए जो अकबर का टाइम था ना उसमें जागीर्स को बहुत ही अच्छे से असेस किया गया था, मतलब देखभाल करके जागीरें बांटी गई थी, उसके हिसाब से ही जितना उसमें से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जितना वो कर इकट्ठा करके देगा उसी के हिसाब से ही उस मनसबदार को सैलरी दी जाएगी। बट औरंगज़ेब के टाइम आते आते ये हिसाब किताब काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहा एंड द एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज अफर लेस देन द ग्रांटेड सम, मतलब सैलरी ज़्यादा देते थे और रेवेन्यू कम इकट्ठा होता था। देर वॉज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार। अब अकबर के टाइम पे काफ़ी सही अच्छे से सब कुछ काम वाम चलता था, बट औरंगज़ेब के टाइम आते आते मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए विच मेंट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर, तो उनको सबको जागीर ही नहीं मिल पाती थी। दे दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स, तो मतलब जागीर तो कम थी, एरिया कम था, मगर मनसबदार बहुत ज़्यादा बना दिए थे, तो इसलिए जब किसी जागीरदार के पास जागीर आती थी तो वो सोचता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, क्यों दोबारा पता नहीं कब मिले। औरंगज़ेब ने इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाया था अपने आखिरी सालों में और इसकी वजह से जो किसान थे ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र हुए थे। कैसे, अभी देखिए अकबर के टाइम पे सब बढ़िया चल रहा था, जितनी जागीर थी उसी हिसाब से मनसबदार थे, मगर औरंगज़ेब के टाइम आते आते मनसबदार ना बहुत ज़्यादा हो गए। अब मनसबदार बहुत ज़्यादा हो गए बट जागीरें क्यों हो गए ज़्यादा, क्योंकि उसका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, लोगों ने अपनी अपनी टाइप की चलानी शुरू कर दी थी। जागीरें क्या थी, जागीरें कम थी, मनसबदार ज़्यादा हो गए, तो हर मनसबदार को जागीर नहीं मिलती थी, और जब भी जिस मनसबदार को जागीर मिलती तो वो खूब पैसे खसोड़ता था उससे, लोगों से खूब, किसानों से खूब कर इकट्ठा करता था। इसकी वजह से किसानों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी औरंगज़ेब के टाइम पर। जब्त एंड ज़मींदार ठीक है। अब ये देखिए ये एक मिनिएचर है ठीक है। मनसबदार ऑन मार्च विद हिज सवार्स, मनसबदार बीच में और अपने सवार्स के साथ वो मार्च लड़ाई करने जा रहा है। इसमें हमें डिटेल ये भी मिल, फिगर सिक्स है, देखिए फिगर सिक्स यहाँ पर, इस फिगर सिक्स में आपको क्या पता लग रहा है, ये देखिए किस तरीके से पैसा लिया जा रहा है, कैसे बेचारे भूखे नंगे लोगों को मारा जा रहा है। तो इसमें हमें क्या समझ आता है कि मिनिएचर फ्रॉम शाहजहां रेन, शाहजहां के टाइम पर किस तरीके से करप्शन होता था इन हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। अ करप्शन करप्ट ऑफिसर रिसीविंग अ ब्राइब, टैक्स कलेक्टर पनिशिंग पुअर पीसर, मतलब लोगों पे कितना ज़्यादा अत्याचार किया जाता था मुगल सत्ता के टाइम पर, जब शाहजहाँ के मतलब अकबर के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो गई थी। अब जब्त एंड ज़मींदार्स, मेन सोर्स जो होता था ना इनकम का, पैसे कहाँ से आते थे, जो वो पीजेंट्री जो किसान टैक्स पे करते थे उसी से ही तो ज़्यादातर पैसा आता था मुगल्स के पास।
ज़्यादातर जगह पर पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू रूरल एलिट्स। तो पीजेंट्स किसके, मतलब जो कुछ रूरल अमीर लोग होते थे उनको पीजेंट्स टैक्स पे किया करते थे, और फिर वो अमीर लोग आगे राजा को, इस तरीके से चेन चलती थी। दैट इज़ हेडमैन और द लोकल चीफ्टन, ठीक है, जो हेड होता था गाँव का वो लिया करता था कर। मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब ऑल द इंटरमीडियरीज वेदर दे आर लोकल हेडमैन ऑफ विलेज और पावरफुल चीफ्टन्स। तो मुगल्स ने कहा कि भाई हम सबको जमींदार बोलेंगे। जमींदार वो होते थे जो मतलब कर इकट्ठा करते थे। क्या इकट्ठा करते थे? कर। कर होता है टैक्स। जमींदार टैक्स इकट्ठा करते थे, और बीच में ना किसान से पहले मतलब एक वहाँ का हेड जमा करता था, फिर वो हेड किसी और को जमा करता था, तो बहुत सारी चेन हो जाती थी। तो मुगल्स ने कहा कि कोई भी है, जो भी है, जो जमीन में से कर इकट्ठा कर रहा है, सबको हम जमींदार कहेंगे। अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, मतलब जो कर वगैरह का काम देखते थे, वो थे टोडरमल। कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप्स। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकबर की जो रेन थी ना उसमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल सर्वे हुआ था, मतलब काफ़ी अच्छा सर्वे हुआ था जिसमें क्रॉप की ईल्ड देखी गई थी, मतलब फसल की कितनी उपज है और उसके रेट क्या होना चाहिए, और कितना एरिया जो है कल्टीवेट किया गया है, कितने एरिया में फसल उगाई गई है पिछले 10 सालों में, ठीक है। तो 1570 से लेकर के 1580 का टाइम लिया गया। इस डाटा के बेस पर टैक्स को डिफाइन किया गया कि वो मतलब क्रॉप में कितना, कितनी क्रॉप से कितना कैश लिया जाएगा। हर प्रोविंसेस को, हर जैसे प्रोविंस थी उसको मतलब रिवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स, ठीक है। तो फिर मतलब बहुत ही सही तरीके से, जैसे कि मान लीजिए ये इलाका है, इसको अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज़ में जैसे करके बांट दिया गया, फिर इस जैसे कि ऐसे बांट दिया, ठीक है, इसमें से इतना, इसमें ये वाली फसल उग रही है तो इस फसल पे हम इतना टैक्स लगाएंगे, इस पे ये उग रही है तो इसकी उपज कितनी आ रही है, इसमें कितनी लागत लग रही है, कितनी कमाई हो पा रही है, उसके हिसाब से ही टैक्स लिया जाता था, ठीक है। द रिवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। तो ये जो रिवेन्यू का सिस्टम था ना कि रिवेन्यू रेट कितने रहेंगे क्रॉप की, उसके हिसाब से होंगे, तो किस हिसाब से सब कुछ चलेगा, इसको ना जब्त कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया इसको? जब्त कहा गया। इट वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड एंड कीप केयरफुल डॉक्यूमेंट। तो जब्त कहाँ पर लगाया गया कि मतलब पूरा इलाके को मैनेज करो कि क्या क्या कैसे कैसे चल रहा है, फिर उसके बाद कितना इससे रिवेन्यू आना चाहिए, तो जहाँ पर ये पॉसिबल था वहाँ पर ही करा गया, बट गुजरात और बंगाल जैसी जगह पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। कुछ इलाके ऐसे होते थे जहाँ पर जमींदार के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी भाई, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड ड्राइव देम टू रिबेलियन, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास पावर होती थी कई बार जमींदार के पास, तो वो रिबेल कर जाते थे, मतलब वो क्या करते थे, आंदोलन सा, एक तरह से विद्रोह सा कर देते थे कई बार जमींदार जो हैं एंड पीजेंट ऑफ सेम कास्ट एलीड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। तो कई बार जमींदार जो होते थे और जो पीजेंट उनकी जमींदार की कास्ट के होते थे वो भी मुगल्स के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। पीजेंट जो रिवोल्ट कर रहे थे ना बार बार, मतलब जो विद्रोह कर रहे थे, वो 17 सेंचुरी के अंत में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा हो गया था मुगल एम्पायर के लिए। अब आता है अकबरनामा और आईनी अकबरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने ऑर्डर किया था अपने एक क्लोज फ्रेंड जिनका नाम था एंड कोटियर, उनके दरबारी भी थे अबुल फजल, उनकी जो उनका जो कार्यकाल है उसकी हिस्ट्री लिखने के लिए अबुल फजल ने 3 वॉल्यूम लिखी और उसका नाम रखा गया अकबरनामा, ठीक है। अबुल फजल ने लिखी है अकबर नामा, उसका तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद द अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर रेन। तो पहला जो तीन देखिए अकबर नामा लिखा गया था, अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अकबर नामा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला पार्ट जो था ना वो अकबर के पूर्वजों के बारे में था, जैसे कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, तैमूर वगैरह, इनके बारे में। फिर दूसरा पार्ट जो था कि अकबर के इलाके में, अकबर के टाइम में, अकबर की रेन, रेन का मतलब होता है समय जो चल रहा होता है शासनकाल, उसमें क्या चल रहा है। और तीसरी थी आईनी अकबरी, इट डेल्ट विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईनी अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी, और 3 वॉल्यूम्स जो लिखी थी ना अकबर नामा की, उसमें ये थर्ड है। आईनी अकबरी बताती है हमें अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हाउस होल्ड कर में किस तरीके से चीज़ें चलती थी, आर्मी कैसे होती थी, कर कैसे इकट्ठा करा जाता था, ज्योग्राफी कैसी थी, मतलब इलाका जो था उसमें कैसे पहाड़, कैसे पेड़, कैसे जानवर थे, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी गई। तो हम लोगों को काफ़ी रिच डिटेल पता लगती है ट्रेडिशन और कल्चर की उन लोगों के जो इंडिया में रहते थे। मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो है आईने अकबरी का इज इट्स रिच स्टेटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स क्रॉप्स, ईल्ड्स, प्राइजेस, वेजेस एंड रिवेन्यू, मतलब क्रॉप्स के बारे में किस तरीके के रेट चल रहे हैं, कितना रिवेन्यू लिया जा रहा है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। तो ये अबुल फजल
भेंट कर रहा है, मतलब दे रहा है आईनी अकबरी या फिर अकबरनामा अकबर को। अब आता है क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। अकबर की पॉलिसीज़ को देख लेते हैं। तो जो ब्रॉड फीचर थे ना अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हमारे हमें अबुल फजल ने अकबरनामा में और जो उसकी लास्ट वॉल्यूम है आईने अकबरी में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। अबुल फजल ने एक्सप्लेन किया है कि एम्पायर जो है ना वो काफ़ी सारी प्रोविंसेस में, मतलब जैसे कि इंडिया है, इंडिया को काफ़ी सारे राज्यों में, स्टेट्स में बांटा हुआ है ना, इसी तरीके से मुग़ल एम्पायर भी काफ़ी सारे प्रोविंसेस या फिर उन्हें सूबा कहते थे, सूबों में बटा हुआ था, और उसका जो गवर्नर होता था, उस सूबे का जो हेड होता था, उसको सूबेदार कहा जाता था। और वो पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शन, मतलब कैसे उसके इलाके में सूबे में क्या चलेगा, ठीक है, मिलिट्री किस तरीके से लड़ाइयों के लिए सेना इकट्ठी करी जाएगी, सब कुछ वो सूबेदार काम करता था, ठीक है, वो पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन दोनों के दोनों करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर। फाइनेंशियल ऑफिसर जैसे कि आज के फाइनेंस मिनिस्टर है ना, पैसे का हालचाल देखते हैं, तो उन्हें दीवान बोला जाता था, कि वो पीस एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेगा, ठीक है, प्रोविंस में, कि सब शांति बनी रहे, ये भी दीवान देखता था और पैसे से रिलेटेड चीज़ भी देखता था। सूबेदार क्या करता था, वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स, काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो हैं शांति बनाने के लिए, मिलिट्री जैसे कि बख्शी वगैरह, मिलिट्री पे मास्टर, ठीक है, बख्शी होता था, बख्शी कौन होते थे, मिलिट्री में होते थे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रोनेज, सदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, सदर कौन होते थे, सदर क्या होते थे, जो रिलीजियस और चैरिटी वगैरह के लिए किस तरीके से क्या क्या दिया जाएगा वो सदर करते थे। मिलिट्री के हेड कमांडर होते थे फौजदार, और पुलिस के कमांडर होते थे कोतवाल, है ना, जो पुलिस में होते थे। नूरजहाँ का इन्फ्लुएंस जहांगीर के कोर्ट पे, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मेहरुन्निसा जो थी उनकी शादी हुई थी जहांगीर से, और उनको नूरजहाँ का टाइटल दे दिया गया था। वो काफ़ी ज़्यादा लॉयल रही थी और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थी अपने पति के लिए, ठीक है। ऑनर के मार्क में जहांगीर ने सिल्वर के सिक्के लगाए थे, और उसमें ऑन हिज टाइटल्स वन साइड ऑन द अदर साइड इंस्क्रिप्शन स्ट्रक द नेम ऑफ द क्वीन बेगम नूरजहाँ, ठीक है, सिक्के में भी मतलब अपनी बेगम का नाम लिखवा दिया था जहांगीर ने। तो एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट हमें बताता है इज़ एन ऑर्डर ऑफ फरमान, फरमान होता था ऑर्डर कि भाई ये किया जाएगा, राजा फरमान निकाल देते थे। नूरजहाँ ने द स्क्वायर सील स्टेट्स कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइन एंड एलिवेटेड मजेस्टी नूरजहाँ पातशाह बेगम द राउंड सील स्टेट्स बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून मे नूरजहाँ पातशाह बी द लेडी ऑफ द एज। तो मतलब ऐसी कुछ नहीं है कि वो बहुत अच्छी हैं और इस टाइप की बातें करते हैं। डॉगमा क्या होता है, डॉगमा का मतलब होता है स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्स एट अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। तो डॉगमा का मतलब होता है कि भाई हमने कह दिया और तुम मान लो, तुम्हें मानना पड़ेगा, हम कोई इसका आंसर नहीं देंगे कि क्यों मानना पड़ेगा, इसका रीज़न क्या है, बस मान लो। बायकॉट ऐसा इंडिविजुअल होता है जो दूसरे पर्सन के बिलीफ को कहता है अच्छी है तो बेकार है, वो बायकॉट होता है। तो ये देखिए अकबर के, हमने ये पढ़ लिया, अभी देखते हैं अकबर के जो नोबल्स थे, अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रिवेन्यू वाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन एफिशिएंटली बट बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी मैनी नोबल्स हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन। बट स्टार्टिंग में देखिए क्या था, अकबर के टाइम पर तो सारे नोबल्स मतलब अकबर के अंडर के लोग थे, अच्छे से काम करते थे, बट 17th सेंचुरी आते आते वो सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। अकबर जो था फतेहपुर सीकरी में थे 1570s के टाइम पे, उन्होंने काफ़ी रिलीजियस डिस्कशन स्टार्ट करने बुलाए, मतलब उलेमा, मुसलमानों को, मुसलमान के हेड को भी बुलाया, ब्राह्मण को और रोमन कैथलिक्स को, ज़ोरास्ट्रियंस को, काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने बुलाया अकबर ने, और काफ़ी डिस्कशंस की कि कौन सा धर्म में क्या है। काफ़ी सारे डिस्कशंस के बाद दीज डिस्कशंस टुक प्लेस इन इबादत खाना, और ये जो डिस्कशंस होते थे, ये जो बातचीत हुआ करती थी, ये इबादत खाने में हुआ करती थी। और काफ़ी ज़्यादा अकबर इंटरेस्टेड थे रिलीजन में और सोशल कस्टम्स जो अलग अलग लोग फॉलो करते हैं उनमें। अकबर ने काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन किया, अलग अलग फेथ के, अलग अलग धर्म के लोगों को मानने वाले लोगों से उन्होंने बातचीत करी, और वो मतलब डॉगमास पे, जो हमने देखा ना डॉगमास, बाइक और दूसरे की चीज़ को नीचा दिखाना, इन सब में अकबर बिलीव नहीं करते थे। तो उन्होंने देखा कि सारी की सारी देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि अगर कोई किसी को नीचा दिखाता है तो एक तरीके से समाज में अशांति फैलती है। दिस इवेंचुअली लेट अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलहिकल यूनिवर्सल पीस। तो इतनी सारी अकबर डिस्कशन करते थे, कहाँ पर करते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर करते थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था
इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना जो है वहाँ पर अकबर अपने रिलीजियस डिस्कशंस किया करते थे। तो फिर ये ना एक सुली कुल पे पहुँच गए, एक यूनिवर्सल पीस का आइडिया, सुली कुल था अकबर ने दिया था, ये था यूनिवर्सल पीस कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हर धर्म को हम लोग आराम से सब साथ मिल करके रहेंगे, ठीक है। और उन्होंने किस पर फोकस किया कि हम ईमानदार रहें, न्यायप्रिय रहें, शांति प्रिय रहें और यूनिवर्सली हर किसी पे एप्लीकेबल होगा। अबुल फजल ने हेल्प करी थी अकबर को फ्रेम करने के लिए कि गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, गवर्नेंस मतलब किस तरीके से राजकाज चलना चाहिए, वो सुली कुल में भी मतलब लिखा गया था। और द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और यही जो प्रिंसिपल था ना कि शांति प्रिय चीज़ें चलनी चाहिए ठीक ठीक ठाक से, सबको सम्मान दो, ही जहांगीर और शाहजहां ने तो फॉलो किया बट औरंगजेब ने नहीं किया। हाँ तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अकबर ने ना कमीशन किया था काफ़ी सारे संस्कृत के कामों को, संस्कृत के वर्क को पर्शियन में उसने लिखवाया, मकताब खाना, ठीक है, और ट्रांसलेशन ब्यूरो वॉज ऑल्सो एस्टैब्लिश। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि मकताब खाना क्या था, ट्रांसलेशन ब्यूरो मतलब ट्रांसलेट किया जाता था एक टेक्स्ट को, संस्कृत के काफ़ी सारे टेक्स्ट को जो है वो पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। और कहाँ पर था, फतेहपुर सीकरी के में था। महाभारत हो गई, रामायण हो गई, देखिए महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठवर जो है नोटेबल संस्कृत के वर्क्स थे जिनको ट्रांसलेशन किया गया। द रजमाना महापर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, ठीक है, महाभारत को भी ट्रांसलेट किया गया। कंटेन्स लेविश इलस्ट्रेशंस ऑफ द इवेंट्स ऑफ महाभारत, तो बहुत सारे महाभारत, रामायण और काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन करवाया था अपनी पर्शियन में अकबर ने। सुली कुल, सुली कुल था वही था, हम लोगों ने देखा था कि सुली कुल में क्या है, यूनिवर्सल पीस कि हम लोग सबके साथ अच्छे से रहें, हम लोग किसी के साथ बुरा बर्ताव ना करें, इंटॉलरेंस ना दिखाएं, सब शांति से रहें, यही सुली कुल था। अब आता है मुगल एम्पायर इन 17th century, तो ये हाँ बस अब लास्ट है आगे चैप्टर का। तो 17th century के टाइम में मुगल एम्पायर की एक बुरी हालत हो गई थी, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री एफिशिएंसी जो थी ना मुगल एम्पायर की वो काफ़ी लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पैरिटी, काफ़ी अच्छे मिलिट्री एफिशिएंसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना ये लोग अच्छे से चलाते थे और इसकी वजह से मुगल एम्पायर में काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी आई, काफ़ी ये लोग पैसे वाले हो गए थे। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स जो आते हैं वो बताते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे वेल्थ थी, कितने पैसे वाले मुगल्स ये हुआ करते थे। बट दीज सेम विजिटर्स ये भी हमें बताते हैं कि पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें दिखाई पड़ती थी, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा अमीर था, कोई बहुत ज़्यादा गरीब था। डॉक्यूमेंट्स जो कि 20th ईयर ऑफ शाहजहां's रेन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000। तो शाहजहां के टाइम पे बहुत ज़्यादा मनसबदार हो चुके थे और हाईएस्ट रैंकिंग तो सिर्फ 445 थे और बाकी दिस स्मॉल नंबर अमेर 5.6% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मनसबदार रिसीव्ड 60% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो मतलब सिर्फ 5%, देखिए सिर्फ 5% जो मनसबदार थे ना उनको 61% की सैलरी मिल जाती थी, ठीक है, बाकी सारे लोगों के पास बहुत कम सैलरी जाती थी। तो इसके क्या समझ में आता है कि भेदभाव बहुत ज़्यादा था। मुगल एम्पायर्स और बाकी जो मनसबदार्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ इनकम ऑन सैलरीज इन गुड्स, मतलब सैलरी देने में काफ़ी ज़्यादा उनका पैसा निकल जाता था। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस। और वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो खर्चा करते थे तो जो आर्टिसन होते थे, पीजेंट्री होते थे, उनको मतलब किसानों को और जो कारीगरों को इससे फ़ायदा भी हुआ। बट रिवेन्यू कलेक्शन जो था ना लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाई क्योंकि अब राजा के पास पैसा कम होता था, उसको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ती थी। पीजेंट और आर्टिसन को इससे दिक्कत हुई, जो पूरे सबसे गरीब लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी हालत हो गई थी और उनके पास एक तरह से खाना भी नहीं था। टूल्स एंड सप्लाइज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मतलब खेतों में उपज ज़्यादा हो पाए इसके लिए भी कुछ नहीं किया जा रहा था। जो पैसे वाली पीजेंट्री थी या फिर आर्टिसन ग्रुप थे, मर्चेंट बैंकर, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, गरीब लोगों को नुकसान हो रहा था। अब जो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ थी, रिसोर्सेज जो मुगल्स जो एलीट थे, ऊंचे या फिर अमीर लोग थे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। और मुगल अथॉरिटी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के आने से पहले मुगल्स जो है ना कैसे अंग्रेज़ राज कर पाए, क्योंकि मुगल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे। फिर इनकी जो कमांड थी मतलब साउथ इंडिया में, हैदराबाद, अवध वगैरह, ये सब इनके हाथों से धीरे धीरे जाने लगा था। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है एल्सवेयर वाला कि किंग्स एंड क्वींस
तो ऑटोमन टर्की के बारे में हमें इसमें बताया गया है। सुल्तान सुलेमान जो थे उनके टाइम में ऑटोमन स्टेट ने ना काफ़ी ज़्यादा यूरोप पे कब्जा कर लिया था, हंगरी ऑस्ट्रिया वगैरह तक भी, और इन्होंने बगदाद इराक मोरक्को वगैरह जो है सुलेमान ने काफ़ी सारा इलाका कैप्चर कर लिया था। और इन्होंने ऑटोमन नेवी बनाई थी, मतलब शिप्स वगैरह इन्होंने बनाए थे, और ये मेडिटेरेनियन सी को काफ़ी ज़्यादा करते थे कैप्चर, और स्पेन के साथ इनका कंपटीशन चल रहा था। इतना ही है, मतलब दूसरे इलाकों का है, हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे हो गया सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, पहले से बना चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।